पापा रश्मि डॉक्टर प्रणय को चाहती है। बेटा मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ ना कि मेरे मेरे बच्चे खुश रहें। इतना भी नहीं सोचा कि बाद में मुझे ये सब पता चलता तो मेरा क्या हाल होता। रश्मि बहुत अच्छी लड़की है और मैं जानता हूँ तुम उसे जिंदगी भर खुश रखोगे। आप लोग रिपोर्ट लिखवा दीजिए और न्यूज़पेपर में एक ऐड भी दे दीजिए। हो सकता है कि वो खुद ही लौट आए। कोई फोन नहीं उठा रहा। I just hope अभी इस पेरेंट्स आ गए। मैं सिमरन बोल रही हूँ। सिमरन? मम्मी जी आपने आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात छुपाई आपने मुझसे? कब हुआ ये सब? बस उसी दिन बेटा तुम्हारे यहाँ ही आखिरी बार देखा था, फिर वहां से न जाने कहाँ चला गया। ओना हम सबसे शायद गलती होगी मम्मी जी। आई मीन मुझसे स्पेशली, मैंने उस दिन इतनी इंसल्ट की उनकी। आई थिंक आई वाज टू हार्श ऑन हिम। नहीं सिमरन, तुमने तो जो कहा था सही कहा था। तुमने तो अपनी पुलिस कंप्लेन भी वापस ले ली थी। तुम खुद को क्यों जिम्मेदार समझती हो इसके लिए? आप भी क्या नाराज हैं मुझसे मामी जी? आपने अब तक कुछ नहीं बताया मुझे। 13 दिन गुजर गए मामी जी। नहीं बेटे, हम क्यों नाराज होने लगे तुमसे? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। उनका कोई फोन? नहीं, हम लोगों ने भी लगाया पर उसका फोन लग ही नहीं रहा है। तो फिर विवेक ने सलाह दी कि पेपर में ऐड दे दो। नहीं, बिल्कुल ठीक किया है। ये ऐड पढ़कर वो ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मम्मी जी प्लीज़, जब वो आपको कांटेक्ट करें आप गुस्सा मत होइएगा। आप बस उन्हें घर बुला दीजिएगा और प्लीज़ शो करना कि सब कुछ नॉर्मल है। प्लीज़। ओके। जीजा ये देखो इसका नया कमाल। और जीजा क्या क्या ये देखो क्या है। ये कब हो गया और हमें पता ही नहीं चला? बस यही रह गया था। कमाल है जनाब, गायब। पहले आस्था को लेकर गायब हो गया, अब खुद गायब हो गया। मानना पड़ेगा जो काम करता है ये लड़का निराला ही करता है। कहीं उस दिन सबने जो भला बुरा कहा इसे उसकी वजह से तो चला गया। इतना सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का नहीं है वो। आप भी जीजा, किराया देने के लिए पैसे नहीं तो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। बीवी है नहीं, दूसरी बीवी भी नहीं है। सक्सेना साहब ने भी मुंह छुपाने के लिए जगह देने से इनकार कर दिया होगा। तो भागेगा नहीं तो और क्या करेगा। बस मुझे तो ये डर है कि सिमरन सिमरन ने भी ये खबर पढ़ी होगी, उसका दिल ना कहीं पसीज जाए कि हाय बेचारा गम का मारा। ब्लैकमेल का अच्छा तरीका है ये। ये खबर पढ़ के वो उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी और जीजा यही मैं नहीं चाहता। हेलो बेटा। जी पापा। बेटा सब ठीक तो है ना? क्या होता है तुम अभी तक घर पे ही हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? आज थोड़ा देर से जाऊंगी पापा। क्यों, क्या कर रही हो? देखो सिमरन, अब इधर उधर की फिक्र लेकर मत बैठ जाना प्लीज। कुछ लोग अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बट दे डोंट डिजर्व एनी अटेंशन। पापा मैं जानती नहीं थी कि अभी गायब है। 13 दिन हो चुके हैं पापा। तो गुजरने दो ना बेटा, अब वो जहन्नुम में भी जाए तो मुझे परवाह नहीं है। जितने दुख उसने तुम्हें दिए हैं, जितनी परेशानियों में डाला है, उसके बाद वो किसी सिंपथी के काबिल नहीं।
ना तुम्हारी ना मेरी। उसे उसे तलाशने की कोशिश मत करना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आप प्लीज परेशान मत होइए, आप जो कहना चाहते हैं मैं समझ रही हूं। ओके बाय। अब हमें सिमरन और मनु की शादी के बारे में बात करने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। पेपर में ऐड देने से पहले हमें सिमरन को भी बता देना चाहिए था। बहुत परेशान थी वो। जो हम लोग नहीं चाहते थे वही हो गया। हम उसे अभी की खबर देकर तकलीफ नहीं देना चाहते थे, लेकिन शायद ना बताकर ज्यादा तकलीफ दी है। क्या करें, ऐड तो देना ही था। वो समझती है हम लोग नाराज हैं उससे, उसकी वजह से अभी घर छोड़कर चला गया। मुझे समझा रही थी कि जब अभी घर लौटे तो पुरानी बातें याद करा के हम परेशान ना करें उसे। अभी लौटे तो सही, सुबह से ऐड पढ़कर हजारों लोगों के फोन आ गए। जिसका आना चाहिए था वो नहीं आया, जाने कहां भटक रहा है बेचारा। अनिल, आप मुझे अपने ऑफिस में कोई परमानेंट जॉब दे दीजिए। ये मॉडलिंग बहुत बोरिंग है। एक तो ये मुझे आपसे दूर रखती है और मेरी शूटिंग्स भी कभी कभी ही होती है। एकदम गलत। ये मॉडलिंग ही तो आपको हमारे करीब लाई है, और ये कभी कभी की शूटिंग में जो आप करंट पैदा कर लेती है ना, हम सालों साल की मजदूरी में भी नहीं कर पाते। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। अभिमन्यु लापता। ये कैसे हो सकता है? फिर ऐसी कौन? तो ये जनाब भी अच्छा करंट क्रिएट कर लेते हैं। नई किस्म की मॉडलिंग है ये। आई एम सॉरी किरण, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो रही होगी, लेकिन ये कैसा आदमी हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहता है। आई डोंट बिलीव दिस। मम्मी जी बहुत परेशान होगी, अभी ने ऐसा किया क्यों? Was he under some stress? तुम उसके साथ रह चुकी हो किरण, तुम जानती हो कि वो जनाब, वो ग्रेट आर्टिस्ट शराब के नशे में और स्ट्रेस में किस तरह से बिहेव करता है। Yes, I know. ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मुझे एटलीस्ट मम्मी जी को फोन कर लेना चाहिए। उस दिन भी जब उनका फोन आया तो मैंने उनसे ठीक से बात तक नहीं की। ठीक किया था तुमने, लेकिन अब कोई गलती मत करना। अभिमन्यु के इस इमेच्योर बिहेवियर के लिए वो तुम्हें दोषी मानेगी। मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दो। आई थिंक यू आर राइट। Good morning. Good morning, sir. Good morning. Hi. ये तुम्हारे लिए। क्या बात है, तुम लोग घर से पेपर पढ़ के नहीं आते? आई मीन ये हॉस्पिटल है एंड वी आफ्टर ऑल आर डॉक्टर्स। किसी पेशेंट की रिपोर्ट छपी है क्या? Abhimanyu was missing. Can I have a look? I'm so sorry to hear about this.
कहाँ चला गया है वो एंड व्हाई हैज ही डन दिस? आस्था को जब वो लेकर आया था, लौटाने आया था, तब मैं बहुत चिल्लाई थी उस पर. आई वॉज वेरी रूड विद हिम. सबने बहुत बातें सुनाई, स्पेशली पापा, ही वॉज वेरी रफ विद हिम. सिचुएशन ही ऐसी थी, हो जाता है. आई नो, बट आई एम श्योर मुझसे कुछ कहना चाहता था और मैंने सुना नहीं. And now I'm feeling so bad about it. Ah, wah, 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 wah. Ankin, Ankin, Ankin. Holy bopple, wah. आपको बोलती है भाई, मेरे बेबी है ना, इसका खाने पीने के बारे में कोई टेंशन नहीं रहते, एकदम शांत है, मेरे भाई के जैसी. हाँ, पर दिखती है अपने पापा के जैसी. हाँ, मालूम नहीं सापन किधर को गए. आस्था, तू एक काम करना, शाम को ना गणपति बाप्पा के सामने खड़े रहने का, हाथ जोड़ने का, नहीं बोलने का, बाप्पा मेरा पप्पा जिधर पने उसको इधर भेज दो, गणपति बाप्पा तेरी बात जरूर सुनेंगे. एक बात पूछो सगुन. अब पूछो ना. सुबह से सिमरन को परेशान देख रही हूँ. तुम्हें नहीं लगता कि वो अब भी अभिमन्यु से प्यार करती है? काय मालूम मेरी बाई काय चाहती है. खाना ठीक से खाओ वरना मैं भी नहीं खाऊंगा. खा तो रही हूँ. सिमरन ने इंस्पेक्टर से बात कर ली है, मुझे लगता है अब जल्द ही अभिमन्यु की तलाश शुरू हो जाएगी. दो बार मुझे भी फोन आ चुका है अभिमन्यु के बारे में, उन्होंने कई बातें पूछी, नंबर लिए. मैं तो रह रहकर पछताती हूँ, जिस सिमरन को बहू होकर भी मैंने अपना नहीं समझा, वो रिश्ता टूटने पर भी हमारी मदद के लिए भागी चली आई, जिसे बहू बनाया, अपना समझा, वो एक फूल तक नहीं करती, ये भी नहीं पूछा कि अभिमन्यु कहाँ है, कैसा है, कितना बदल गई है किरण. अब तुम किरण की चिंता में अपना सर मत खपाओ, हमारा बेटा सही सलामत घर आ जाए वही बहुत है. देखिए ना, रात हो गई, के दिन भर में उसने अखबार नहीं पढ़ा होगा, एक फोन तक नहीं किया हमें. मामी जी, हो सकता है उसने ऐड देखा ना हो, और हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए. जब मैं अभिमन्यु को स्टूडियो से घर लेके आया था, तो मैंने खुद को और इनको समझाया कि अभिमन्यु को सहारे की जरूरत है, बहुत डिप्रेस था वो. लेकिन फिर आस्था को लेकर इतना कुछ हो गया कि हम भी भूल गए कि हम जो अभिमन्यु पर नाराज हो रहे थे वो हमारी एक गलती थी. और मेरा भी गुस्से में हाथ उठ गया अभी पर. मम्मी जी, बार बार इन बातों को याद करने से क्या फायदा है? अभिमन्यु कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे संभलने में वक्त दीजिए, वो घर जरूर लौट आएगा. ये एड देखकर तो फोन तो जरूर करेगा वो, और हो सकता है इस एड के बारे में उसे किसी और से पता चले, इसमें टाइम तो लगेगा ही ना. अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी ना, सिमरन अक्सर ऐसा होता है कि जब पति पत्नी अलग हो जाते हैं तो
बच्चों को भी अलग कर देते हैं, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। इनफैक्ट तुम्हें हमेशा अभिमन्यु के लिए सहानुभूति हुई है, तो फिर मैंने अभिमन्यु को अपनी गलतियों पर पछताते देखा है, और फिर वो आस्था से कितना प्यार करता है ये बात तो किसी से नहीं छुपी। हो सकता है वो आस्था में तुम्हें ढूंढता हो। अभिमन्यु किरण के पास चला गया, तुमने डिवोर्स की बात कर ली, तुम दोनों अलग तो हो गए, लेकिन मुझे तुम दोनों में वो दूरियां नजर नहीं आती जो मानस और मेरे बीच आ गई हैं। सिमरन, मैंने तो बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अभिमन्यु से जो भी गलती हुई है वो उसकी इमेच्योरिटी की वजह से हुई है। वो ये समझ ही नहीं पाया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। ही स्टिल लव्स यू। तुम भी प्यार करती हो उससे। है ना? तो फिर साथ क्यों नहीं हो जाते तुम दोनों? आई एम सॉरी अगर मेरा इस तरह खुलकर बात करना तुम्हें बुरा लगा हो तो। मैंने बस अपने दिल की बात कह दी। चाहती हूं कि वक्त रहते ही सही कदम उठा लिया जाए। ये खा लेना। सिमरन, सिमरन जी कहिए, कहीं ना क्या बात है? मैं अभी की माँ बोल रही हूँ। मैं अंधेरी जनरल हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ जल्दी प्लीज।